गोटे सप्ताह पुणी सारा दुनिया गोटे नुआ एपिसोड एही गोटे सप्ताह मध्य विश्व घटी जाइछि अनेक घटना दुर्घटना से अनेक घटना पलटि खबर शिरोनामा सेमिति किछि खबर को नहीं आज आरंभ करिबा एथरर सारा दुनिया। नमस्कार मु निहारिका आपण मानक स्वागत करुच्छे एक स्वतंत्र कार्यक्रम को आसतु देखा कौन रही एथरर सारा दुनिया। प्रथमे कोरोना भाइरस तापरे रूस युक्रेन युद्ध विश्व प्रथमे महामारी रे कबलित हेबा परे एबे युद्ध को नहीं व्यतिव्यस्त एपरी मन हो सतजेपरी पूरा विश्व एक भयंकर समय आड़ गति करेबारी भितर सारा विश्व को सतर्क कर भारत भाइरस और केमिकाल को नहीं या जैविक अस्त्र यापे जातिसंघ को चेताई भारत भाइरस और केमिकाल जैविक अस्त्र हुए तो आतंकवादी मानक हाथ को चली जाए जहाक नहीं एवं सतर्कता अवलंबन करने को पड़ो मिलित जातिसंघ में सतर्क कर भारत प्रतिनिधि ए अमरनाथ। भाइरस और केमिकाल को नहीं या जैविक अस्त्र जातिसंघ को चेताइला भारत सारा विश्व को सतर्क रहिबार अछि आवश्यकता। जैविक अस्त्र जगू सारा विश्व प्रति विपदर संभावना को आखि आगे रखी भारत जातिसंघर समस्त देश को चेताई मिलित जातिसंघ में भारत प्रतिनिधि ए अमरनाथ कहते जे भाइरस और केमिकाल को जैविक अस्त्र भाव व्यवहार करा जाई पारे यह आतंकवादी मानक हाथ को मध्य चली जाई पारे तेणु अंतर्जातीय समुदाय को समय थाई यार समाधान रास्ता खोजा पड़ से कहते जे गण विध्वंसकारी अस्त्रशस्त्र अर्थात वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्शन जदि आतंकवादी हाथ में पड़ जाए तेबे एहा सारा विश्वर शांति और सुरक्षा पाई एक गुरुतर संकट उत्पन्न करिपारे। भारतीय प्रतिनिधि अमरनाथ जातिसंघ सुरक्षा परिषद रेजुलेशन 1540 समितिर एक अधिवेशन को संबोधित करी से अंतर्जातीय कम्युनिटी को जैविक अस्त्रशस्त्र बढ़िबार आशंका उपरे अत्यधिक ध्यान देवा आवश्यक। क्षेपणास्त्र मानव विहीन जहाज प्रणाली भली प्रणालीगुड़िक आतंकवादी हाथ में लगे गण विध्वंसकारी अस्त्रशस्त्र व्यवहार विपद आहुरी विपुल मात्रा रे बढ़ी से कहते कोरोना काल में केमिस्ट्री और बायोलोजी प्रगति सहित भाइरस और केमिकाल अस्त्रशस्त्र रूप से अपव्यवहार विपद मध्य बढ़ी जाइछ तेणु ए प्रसंग को नहीं अत्यंत गुरुतर सह आलोचना कर आवश्यकता रही। आम जाणवा जे रेजुलेशन 1540 कण जातिसंघ निरापत्ता परिषद 2004 मसीह रेजुलेशन 1540 आपणाई रेजुलेशन 1540 आतंकवादी और आतंकवादी संगठन गुड़िक सरकार बाहर रही से ही प्रमुख तत्व रूपे चिह्नट कराए जे सामूहिक विनाशर अस्त्रशस्त्र और यार जोगाणर साधन व्यवहार करपारती। प्रस्ताव अनुसार समस्त देश आतंकवादी उद्देश्य प्रेरित लोकमानंकु बा संगठन को कौनसी प्रकार समर्थन देवे ना। जातिसंघ में भारत प्रतिनिधि अमरनाथ कहते जे भारत रेजुलेशन 1540 व्यवस्था को सुचारू रूपे लागू करने एक शक्तिशाली आईन आधारित राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करम देश बेआईन कार्यकलापर जड़ित समूहगुड़िक गण विध्वंसकारी अस्त्रशस्त्र हासिल करने को रोकवाई विभिन्न वैश्विक एजेन्सी सहयोग और समन्वय को समर्थन कै। ब्यूरो इनपुट सह वंदना राय रिपोर्ट अर्गस न्यूज। चीन शासकों एक छत्रवादी शासन जोगु चीन रे व्यवसाय करने को आउ इच्छा प्रकाश करूना विभिन्न देशर बड़ टेक्नोलॉजी कंपनी चीन रो कम्युनिस्ट सरकार चीन रे कार्य करुथिबा बड़ बड़ टेक्नोलॉजी कंपनी गुड़ी को विभिन्न आईन कानून आड़े हैरान हरकत करुथिबा नै खबर रही। बड़ कंपनी गुड़िक प्रति चीन रो एपरी व्यवहार कारण चीन रे पूंजी विनियोग करने को पछाउथिबार देखा जाउछि फलरे चीन रे नुआ पूंजी विनियोग और स्टार्टअप संख्या धीरे धीरे कमिबार संभावना देखिदेछि। तथापि चीन रो सरकार या को नै ए जाय गंभीर नहेबा देशर अर्थनीति को तळ मुहा करि पारे बोली कुहा जाय पारे। बड़ टेक्नोलॉजी कंपनी गुड़ी को हैरान हरकत करुछि चीन रो कम्युनिस्ट सरकार पूंजी विनियोगकारी माने चीन रे विनियोग पाइ देखाउनहंती आग्रह। भारत और दक्षिण पूर्व एशिय देश मानकरे पूंजी विनियोग बढ़िबार संभावना
चीन्र कम्युनिस्ट सरकार चीन्रे कार्य करुथिबा बड़ बड़ टेक्नोलोजी कंपनी गुडीकु विभिन्न आईन कानून आळरे हैरान हरकत करुथिबाने खबर रहिछि। एही बड़ कंपनी गुडीक प्रति चीन्र एपरी व्यवहार कारणरु चीन्रे पुंजी विनिचोक नै आउ अनुकूल वातावरण नाही, फळरे चीन्रे नुआ पुंजी विनिचोक ओ स्टार्टअप संख्या धीरे धीरे कमिबार संभावना देखा दैछि। विदेशी गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार चीन रे बड़ बड़ कंपनी मानक सह चीन सरकार हैरान हरकत करुथिबारु पुंजी विनियोगकारी माने चीन रु मुह फेराइ नउछंती। विदेशी गणमाध्यम रिपोर्ट रे कुहा जाय छि जे दक्षिण पूर्व एशिया ओ भारत रे स्टार्टअप गुडी को पछरे रहुथिबा वेंचर कैपिटल फर्म गुडी करे नुआ फंड रेकॉर्ड मात्रा रे आसुछि। रिसर्च कंपनी प्रिकिन द्वारा दिया जायथिबा तथ्य अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया वो भारत आधारित वेंचर कैपिटल फर्म गुड़िक 2022 सुधा 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थ एकाठी कर सारे। गत वर्ष यह फार्म गुड़िक सारा वर्ष 3.5 बिलियन फंड रेज करते। अंपक्ष चीन आधारित वेंचर कैपिटल फार्म गुड़िक गत वर्ष 27.2 बिलियन डॉलर फंड रेज करथिबा बळे चलित वर्ष वर्तमान सुधा मात्र 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर फंड रेज करि पारिछन्ति। एहा विपुल मात्रा रे ह्रास पाइछि। सिंगापुर रो जंगल वेंचर नामक एक वेंचर कैपिटल फार्म रो जणे अधिकारी कहिछन्ति जे हमर 50% रु अधिक पुंजी विनियोगकारी चीन रु बाहरे पुंजी विनियोग करबाको चेष्टा रे अछन्ति। सिंगापुर रो एहि फार्म जंगल वेंचर एबे सुधा दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में पुंजी विनियोग करने को 600 मिलियन नुआ फंड रेज कर सारी से कहते। केवल यह वेंचर कैपिटल फार्म नुहे बर समस्त फार्म चीन रे कंपनी मान सहित करवहार में असंतुष्ट अच्छा, तेणु खूब शीघ्र चीन रु पुंजी विनियोगकारी माने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया पुंजी विनियोग करिपार संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। निजे देइतिबा प्रतिश्रुति को भांगुछंती तालिबान शासक, विशेष भाव में महिला मानंकु नै कटकणा जारी न करिवे बोली कहितिबा तालिबान वर्तमान पूरा ओलटा व्यवहार देखाइबा आरंभ करिछंती। महिलांक शिक्षा हेउ बा पोशाक सबु किछि रे कटकणा लगाइबारे लागिछंती तालिबान शासक। एहाकु नै जातिसंघ पक्षरु चिंता व्यक्त करा दिबा सह तालिबान सरकार को महिला मानक प्रति एपरी व्यवहार न करने को परामर्श दि जाइला, किंतु जिदखोर तालिबान निज जिद्रे अटल रही जातिसंघर परामर्श को खारज कर। जातिसंघर परामर्श को खारज कला तालिबान। अफगानिस्तान में महिला प्रति कटका को रोकवा को परामर्श दे जातिसंघ। महिला पर्दारे ही रही तालिबान दृढ़ाक्ति। अफगानिस्तान में तालिबान क्षमता को आसवा पर महिला अत्याचार बढ़ी। अफगान महिला जीवनशैली पुणी 20 वर्ष पूर्व को फेरीगला भली मने हेउछि। समस्त प्रकार अधिकार को छड़ाई निया जाउछि। महिला प्रति तालिबान व्यवहार सारा विश्व में कहापाई अछपा हो रही। जातिसंघ पक्षरु चिंता व्यक्त करा तालिबान सरकार को महिला प्रति एपरी व्यवहार न करने को परामर्श दिया जाइतला। तबे जातिसंघ महिला संपर्क में देखा कौन परामर्श को मानिबार संभावना नाही बोली स्पष्ट कर देछि तालिबान। तालिबान प्रवक्ता अब्दुल कहर बरलक जातिसंघर एक परामर्श को खारज कर देछंती। अफगानिस्तान हेउछि एक मुसलमान देश, एठारे रहुथबा लोकमाने मुसलमान। आम सरकार इस्लामी आईन अनुसार अर्थात महिला परदारे रखा हिजाब पिंधिबा आदि प्रथा को आमर संस्कृति बोली मन करे, तेणु यह प्रसंग में जातिसंघर परामर्श को आमे मानिबु नाही। गत वर्ष अगस्त मास 15 तारीख दिन काबुल उपरे तालिबान कब्जा होगा पर तालिबान दाबी करिथिला जे से पूर्वर तालिबान नुहे, एबेर तालिबान रे अनेक परिवर्तन हो सारी। महिला प्रति तालिबान आ पूर्व भली विचार रखुनाही, मात्र दिन बीतवा पर तालिबान एही दाबी संपूर्ण मिथ्या बोली प्रमाणित होछि। तालिबान तार से ही पुरुणा महिला विरोधी मध्ययुगीय बर्बरता आरंभ कर देथिला। महिला पाठपढ़ वंचित करने आरंभ कर काम कर सुजोग न देबा पर अनेक अमानवीय नियम तालिबान जारी कर सारी। तालिबान जारी करय एक निर्देशनामा अनुसार महिला घर बाहर संपूर्ण बुर्खा पिंधि पड़ महिला मुह ढांक पड़
जदि कौनसी महिला एपरी नक तेबे तार पिता किंबा तांकर निकट संपर्कियों को जेल रे भर्ती करा जिवो। जदि तांकर निकट संपर्कियों माने चाकरी करथबे तेबे तांकु चाकरी रु परखास्त करा जिवो। महिला माने एकुटिया विमान रे चढ़ी पारिबे नाही बोली मध्य निर्देशनामा जारी करथिला तालिबान। अफगानिस्तान रे भलो को प्रोत्साहन देबा ओ खराब अभ्यास को रोकिबा पई एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करा जायथिबा तालिबान पक्षरु कहा जायथिला। वंदना राय को इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अफगानिस्तान रे तालिबान क्षमता रे आसीबा परे भारत जेउ आशंका व्यक्त करथिला ताहा धीरे धीरे सत प्रमाणित हेउछि। मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषदर आतंकवाद संपर्कित रिपोर्ट रे तालिबान और पाकिस्तान रो आतंकवादी संपर्क विषय रे पुणि थरे खुलासा होइछि। आतंकवादी जैश और लश्कर को शक्तिशाली करिवारे लागिछि तालिबान। तबे तालिबान रो एपरी कार्यकलाप उपरे रोक लगाइबा को जातिसंघ रे विश्व समुदाय रो अनेक देशर आलोचना आरंभ होइ सारिछि। आतंकवादी जैश और लश्कर को शक्तिशाली करिवारे लागिछि तालिबान। जातिसंघ सुरक्षा परिषद रो तालिबान संपर्कित रिपोर्ट रे हेला खुलासा। सत प्रमाणित हेउछि भारतर आशंका। अफगानिस्तान रे तालिबान क्षमता रे आसीबा परे भारत जेउ आशंका व्यक्त करथिला ताहा धीरे धीरे सत प्रमाणित हेउछि। मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषदर आतंकवाद संपर्कित रिपोर्ट रे तालिबान और पाकिस्तान रो आतंकवादी संपर्क विषय रे पुणि थरे खुलासा होइछि। एही रिपोर्ट रे स्पष्ट रूपे उल्लेख करा जाइछि जे तालिबान क्षमता रे आसीबा परे से जैसे मोहम्मद ओ लश्करे तोयबा परि संगठन गुडी को शक्तिशाली करबा दिगरे काम करूछि। जैश ओ लश्कर परि आतंकवादी संगठन गुडी को भारत रे विशेष भाबरे जम्मू काश्मीर रे पूर्वरु अनेक आतंकवादी कार्यकलाप रे शामिल होई सारिछन्ती। तालिबान एही दुई आतंकवादी संगठन रो आतंकवादी मानंकु तालीम देबा काम जोर सोर रे आरंभ करि देइछन्ती। रिपोर्ट रे कुहा जाइछि जे केवल अफगानिस्तान रो नंगरहार जिल्ला रे ही 8टी एभली आतंकवादी तालीम शिविर तालिबान चलाउछि। एठारे ए आतंकवादी मानंकु तालीम देबा सह भारत विरुद्ध रे षडयंत्र करा जाउछि। मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद पक्षरु गठित समितिर एहा हेउछि 13तम रिपोर्ट। एहार पूर्ववर्ती रिपोर्ट मानंकरे मध्य उल्लेख करा जाइथिला जे जैश ओ लश्कर कु तालिबान तालीम देउथिला। एबे जेतेबेले तालिबान रो सरकार होई सारिछि सेतेबेले एही संगठन गुडी कु पूर्ण मात्रा रे तालिबान समर्थन प्रदान करूछि। जैसे मोहम्मद हेउ बा लश्कर ए तोयबा हेउ उभय कु मिलित जातिसंघ आतंकवादी संगठन रो तालिका रे शामिल करिछि। एही रिपोर्ट रे कुहा जाइछि जे अफगानिस्तान रो अबिकुनार जिल्ला रे लश्कर रो तीनोटी आतंकवादी प्रशिक्षण क्याम्प चलिछि। सेहिपरि नंगरहार जिल्ला रे थिबा हस्क मिनाठारे लश्कर आतंकवादी मानंकु प्रशिक्षण देबाकु चला जाउथबा क्याम्प रे तालिबान रो दलकु गत जानुवारी मासरे देखा जाइथिबा रिपोर्ट रे उल्लेख रहिछि। सेहिपरि लश्कर रो प्रमुख नेता मौलवी असदुल्लाह कु तालिबान रो उपगृहमंत्री नूर जलील सहित गत वर्ष अक्टोबर मासरे मीटिंग करथिला बोली रिपोर्ट रे उल्लेख रहिछि। जैसे मोहम्मद देवबंदी समूह निकटतर होइथिबा कारणरु सेमाने तालिबान रो अत्यंत निकटतर बोली रिपोर्ट रे प्रकाश करा जाइछि। केवल जातिसंघ ओ भारत नुहे अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस भली देश माने मध्य जैश रो मुख्य मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी बोली घोषणा करि सारिछन्ति। डॉक्टर समन्वय नंद को इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। रुषिया युक्रेन युद्ध 100 दिन रे पहुंचीथिबा बेले एबे भी युद्ध को नै दुई देश मुख्य जिद रे अछन्ति। युक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस सेना को अटकाइबा को प्राणप्रणे चेष्टा चलाउथिबा बेले अन्य पटे रूस राष्ट्रपति पुटिन भी नछोड़ बंधा। यारी भितरे पुटिन को कैंसर हेबा नै खबर आसीबार लागिछि। प्रथमे एहा विशेष गंभीर नुहे बोली सुना जाउथिबा बेले वर्तमान पुटिन का स्वास्थ्य अवस्था अत्यंत खराब हेबारे लागिछि बोली चर्चा हेउछि। तबे प्रकृत रहस्य कौन यहा कुने देखिबा ए रिपोर्ट। कैंसर रो शेष स्टेज रे पहुंचिलेनी बेळ को बेळ दुर्बल हेउछि देह आखि को दिसुनी हेले बिंधु नाहंती चश्मा डाक्टर कहउछंती आयुष आउ काली 3 वर्ष रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन को जीवन काल शेष होबा को जाउछि। मारात्मक कैंसर तांको जीवन नेबा को बसिछि।
ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଳେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷର ସମୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ପୁଟିନଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଆଉ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକ ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରୁ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଫଏସବି ଗୁପ୍ତଚର। କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଳେ ସେ ଭୀଷଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକେ ଜାଣିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଖବର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଖବରକୁ ସେ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୁଷର ଫେଡେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ପୂର୍ବତନ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋରସ କାର୍ପିସ୍କୋଭ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ନିରନ୍ତର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିବା କ୍ରେମଲିନ୍ର ଭିତିରିଆ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁଟିନଙ୍କ ବାବଦରେ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମେ 9 ରୁଷର ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ପୁଟିନ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲେ, ବସିବା ବେଳେ କୋଳରେ କମ୍ବଳ ରଖିଥିଲେ। ଏମିତିକି ପୁଟିନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଜୟ ଦିବସ ପରେଡ୍ ସମୟ ବି କାଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତିର ଖବର ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା 100 ଦିନ, ତଥାପି ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ସୂଚନା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କେତେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ। ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେବ ନା ଆହୁରି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦରଦାମ। ତେବେ ଆହୁରି କେତେଦିନ ଚାଲିବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା 100 ଦିନ, ତଥାପି ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ସୂଚନା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ। ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେବ ନା ଆହୁରି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦରଦାମ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଭାରତ ତୁଲାଇବ କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା? ଫେବୃଆରୀ 24 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜୁନ୍ 3 ପହଞ୍ଚିଛି 100 ଦିନରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ରୁଷର ଧାରଣା ଥିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଶେଷ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ। ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ରୁଷର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଆସୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍, ମିଳୁଛି ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଶର ସାମରିକ ସହାୟତା। ତେବେ 100 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୃତାହତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ କମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆର 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି 100 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମାତ୍ର 20% ଅଞ୍ଚଳ ରୁଷ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇପାରିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଦଖଲରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସମେତ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନା। ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଅନେକ ଘର ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ପାଲଟିବାରୁ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂତର ସହର ପାଲଟିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ନିଜର ପୁରୁଣା ରଣନୀତି ବଦଳେଇ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଧ୍ୱଂସକ ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ରୁଷିଆ ମନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ହରାଇବା ପୁଟିନ ଯେ କୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏପରି ହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇପାରେ ବିଶ୍ୱ।
ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ରୁଷିଆ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମୁକାବିଲାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତ ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇପାରିବ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସିଜ୍ ଫାୟାର କେବେ ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଘଟିଛି ଏବେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ। ସବୁବେଳେ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଆସିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଡ଼ିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବେ ନିଜ କଲା କର୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଇମ୍ରାନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ଆଗକୁ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରେ, ଯିଏ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ ସେ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ପାକିସ୍ତାନ, ତିନି ଖଣ୍ଡ ହେବ ଦେଶ, ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜ ଦେଶର ପତନ କଥା କହିଲେ ଇମ୍ରାନ୍। ପାକିସ୍ତାନର ବିଦାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏବେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ କରି ତାଙ୍କ ସରକାର ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହବାଜ ସରକାରର ପତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍। ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ମରୁ, ସୌତୁଣୀ ବିଧବା ହେଉ ନ୍ୟାୟରେ ନିଜ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଦେଶର ସୈନିକଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲାଣି। କଥା କଥାରେ ଧାରଣା, ରାଲି ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭରେ ମାତୁଛି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଦଳ। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍। ଦେଶରେ ଉତ୍କଟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତ ନାଁରେ ଉସ୍କାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପାକ୍ ସେନାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ୍ ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେବୁ, ତାହେଲେ ଦେଶ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଇମ୍ରାନ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ପାକ୍ ଆଣବିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦେବ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେବ ଭାରତ। ତେବେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପିଲାଳିଆମି ଓ କ୍ଷମତା ପିପାସୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିର ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।